हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनयूजुअल हैदराबादी। आज हम चल रहे हैं कुकटपली साइड। कुकटपली उस कोने में, यहाँ से जहाँ पे मैं रहता हूँ, रामकोट से जब गएंगे तो उस कोने में। ये अभी हमें NTR गार्डन लुम्बिनी पार्क, राइट साइड में टैंक बंड है, उससे पहले एंट्रेंस पे आया था लुम्बिनी पार्क, उसके ऑपोजिट था सेक्रेटेरिएट, और फिर थोड़ा और आगे जब लेफ्ट साइड में चल रहा है, पूरा है NTR गार्डन। NTR जी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन, फेमस पॉलिटिशियन और एक्टर थे, उनके नाम पे बनाया हुआ ये NTR गार्डन। अच्छा गार्डन है, फैमिली के साथ आना है तो फैमिली टाइम के लिए लुम्बिनी पार्क भी। सैटरडे वीकेंड्स पे तो फुल रश होता है यहाँ पे। और लुम्बिनी पार्क राइट में जो क्या, वहीं तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वही प्लेस है वो तो बस यही। और लेफ्ट में क्या, प्रसाद IMAX फुल क्राउडेड हमेशा। और राइट में जाएंगे तो नेकलेस रोड, ये भी क्राउडेड रहता है संडे सैटरडेज वीकेंड्स पे, लोग आते हैं पता नहीं क्यों पर आते हैं। ये अब आ गए हम खैरताबाद। अब यहाँ से पूरा स्ट्रेट रोड, पूरा स्ट्रेट, मेट्रो बन रही ना ऊपर, सेम वही स्ट्रेट रास्ते से जाना है। ओह, KTM ड्यूक, आई लाइक द बाइक। ये देखो लेफ्ट में BMW का शोरूम, और मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ पसंद है, ये देखी लेफ्ट में मिनी BMW मिनी, मतलब कार को ऐसे लटकाया हुआ है वहाँ पे जैसे पता नहीं क्या लटका रखा हो। मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोलो, पर उसको मार्केटिंग की ज़रूरत है नहीं, वो गाड़ी को बस अच्छी लगती है। ये आगे हम अमीर पेटी लेफ्ट में दिख रहा है, ये जो अभी नया मॉल बना है, ये क्या बोलते हैं उसको, एक शिप की शेप में बना है, दिख रहा है ये सर डिज़ाइन इसका, पूरा आ नहीं पाया कैमरे में, पर डिज़ाइन बहुत अच्छा बन रहा है शिप की तरह, बहुत बड़ा बन रहा है मॉल, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, होने के बाद बहुत बढ़िया लगेगा। और ये वही फ्लाईओवर है अपना, पूरा स्ट्रेट रास्ता है, पूरा स्ट्रेट, वहाँ पे पंजागुट्टा, पंजागुट्टा से अमीरपेट आ गया यहाँ लेफ्ट। ये पूरा शॉपिंग एरिया है, पूरा शॉपिंग, लेफ्ट में बिग बाज़ार, इसके अपोजिट अनिल ट्रेडिंग को, बहुत फेमस। और यहाँ साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल, इंडिया चेन्नई शॉपिंग मॉल, मतलब साउथ इंडियन पूरी शॉपिंग के लिए पूरा फेमस है वो, पूरा वहाँ पर मार्केट उसका ही है। और वहाँ से स्ट्रेट आएंगे तो हम ये आ गए मूसापेट का ब्रिज या फ्लाईओवर बोल दो, नीचे भारत नगर का रेलवे स्टेशन है, वो क्रॉस करके जाते हैं मूसापेट एरिया, एरागड्डा, एरागड्डा फेमस है उसके लिए अपना क्या, मेंटल हॉस्पिटल, तो वही एक ही लेन है, पूरा स्ट्रेट रास्ता है जाने के लिए, अच्छा है। अब यह मेट्रो बन जा रही है तो जिसकी वजह से बहुत, मतलब ये रोड पर बहुत ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा मेट्रो बनने के बाद से, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बस मेट्रो यहाँ पे प्रपोज था कि अभी नवंबर मई 2017 से स्टार्ट होना, अभी तक तो हुई नहीं, 2018 तक होगा शायद, देखते हैं क्या होता है। और ये लो, ओहो पता नहीं कहाँ ठोक दिया टैक्सी वाले ने, रिवर्स लेके जाना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो बस आगे से भी आएगा, पर ये लेफ्ट ले लेना आने का, कुकटपल्ली के जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से लेफ्ट ले लेना, आपको शॉर्ट पड़ेगा, अंदर गली से निकलोगे, टाइम भी कम लगेगा और ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, सबसे अच्छी बात यही है यहाँ की, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो बस एक्चुअली क्या बात है, मतलब GVK ये सारे बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, वो एरिया के मॉल्स घूम घूम के मतलब हो गया, मतलब पहले वही थे, ये नहीं बने थे अभी, ये तो अभी 2-3 साल पहले ही बनाए, फोरम मॉल, उससे पहले मंजीरा मॉल बना था, इनऑर्बिट तो पहले से ही है। तो ये देखो दिखा सामने है, ये है फोरम मॉल, आगे जाके हम यूटर्न लेके आते हैं इसके लिए। तो मॉल बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पे, अभी तक का बड़ा, यहाँ पे 9 PVR के 9 स्क्रीन्स है, तो कभी शो कहीं ना मिले या मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ये नहीं गारंटी मिलेंगे, चांसेस ज़्यादा है, तो वो देख लेना कभी हुआ तो। वैसे मॉल भी अच्छा है, कोई ओकेशन पर डेकोरेट हो जाता है। बस निकल गए मॉल से, मैं यहाँ पे क्या कुछ काम था, वो काम से आया था, काम हो गया। अब ये देखो राइट में, यह है मंजीरा मॉल, जो बता रहा था ना इससे पहले बना था सिनेपोलिस, यहाँ पे सिनेपोलिस मुझे अच्छा लगता है थिएटर स्क्रीन, अगर देखना है आपको, आपको है तो सिनेपोलिस में ज़रूर जाने पर ट्राई करना। यह है मंजीरा मॉल गया जो, इसके बाद जो ये है मंजीरा कॉम्प्लेक्स, ये भी अच्छा है। सिनेपोलिस मुझे क्यों अच्छा लगता है, अगर हुआ तो मलकाजगिरी पे है, जिसकी टिकट है 75, और बहुत अच्छी क्वालिटी है स्क्रीन की और सीट्स की, मुझे बहुत पसंद है, जाना एक बार ज़रूर, ठीक है। और ये अब लेफ्ट में आ गया अपना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये हम यही रोड से आके लेफ्ट लिए थे, अब ये वापस यूटर्न लेना पड़ेगा, अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आपको आएगा आगे और क्या बोलते हो, मियाँपुर, कोथापुर, मतलब ये डेवलपिंग डेवलपिंग जो डेवलप हो गया, हैदराबाद का जो रेडियस फैल रहा है ना, ये फैलने के उस तरफ, और दूसरा कोना अत्तापुर जो दिखाया था वो उस तरफ का कोना था, ये इस तरफ का कोना है,
ये ज़्यादा हाईवे टाइप से है क्योंकि अभी ये बन गया है इसकी वजह से ही। और एक तो मेट्रो बन जाएगी यहाँ पे, तो मतलब ये पूरा उसका है अपना, क्या आईटी वालों के लिए। ये देखो आते वक्त मैं सोचा था यहाँ से निकलूँ या नहीं निकलूँ, निकाल लूँ या नहीं निकालूँ, या लेफ्ट ले लूँ। लेफ्ट में पीछे क्या अपना DCM वाला रुक रहा है, नहीं हॉर्न मारे जा रहा, घुसे जा रहा। बुरी तरह फंस गया था मैं, लेफ्ट लूँ या सीधा घुसा हूँ, एक बार तो रिस्क ले लूँ सोचा था, चला लूँ। पर फिर याद आया, अगर बाइक होती तो निकल जाती, पर क्रैश गार्ड था ना साथ में, प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए रिस्क नहीं लिया। और देखो ये सिग्नल, मतलब थोड़ा उसको ओवरटेक करा, बारिश शुरू जोर की, अब आया मेट्रो का पिलर काम। मतलब अभी बनी नहीं पर उसके फ़ायदा तो हो गया। ऐसी बारिश, मतलब बारिश हल्की हल्की से एकदम से जोर की होने शुरू हो गई, तो बस मेट्रो के पिलर के नीचे से इजी धीरे 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 बिना भीगते हुए निकाल ली, क्योंकि रेनकोट था नहीं ना, और मैं भीग जाता तो चल जाता भाई, पर बैग बैग में डॉक्यूमेंट्स थे, वो भीग जाते तो प्रॉब्लम हो जाता। तो बस यही रास्ता था। तो यही छोटा सा ट्रिप था फोरम मॉल, सॉरी फोरम नहीं, फोरम मॉल जाने का। मतलब ऐसा कुछ अलग हटके नहीं था, बस बताना था। ये भी एक तरीके, ये भी एक रास्ता है जाने का। देखो दिख रहे सब बारिश में भीगते हुए, तो बस ये रास्ता सीधा है, कभी हुआ तो जाओ ये साइड भी, हैदराबाद के उस तरफ, जो इस तरफ के वो उस तरफ जाओ, जो उस तरफ के वो इस तरफ आओ, हैदराबाद एक्सप्लोर करो भाई। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही मुझे तो एक्साइटिंग लगता है भाई। ये देखो फिर बारिश रुके और जो मौसम हुआ साफ सुथरा भगाने वाला, बस फिर तो भगाया। तो बस यही एक छोटी सी ट्रिप या छोटा सा राइड थी फोरम मॉल के लिए, मेरे घर से कुकटपल्ली से। हुआ तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, बस रिप्लाई करते ना भाई। थैंक यू, बाय।